अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है द ऑप्शन बॉक्स। कल हमने चेक बॉक्स तक पढ़ा था, आज हम द ऑप्शन बॉक्स से पढ़ेंगे। द ऑप्शन बॉक्स कंट्रोल लेट्स द यूजर सेलेक्ट वन ऑफ द चॉइस। ये ऑप्शन बॉक्स क्या है, जहाँ से यूज़र क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो भी ऑब्जेक्ट उसको चाहिए वो वहाँ से चॉइस करते हैं। ठीक है, जो भी ऑप्शन उसको चाहिए वो वहाँ से सेलेक्ट करते हैं। ओनली वन ऑप्शन बॉक्स कैन बी सेलेक्ट ऑन एट वन टाइम। वहाँ से आप सिर्फ एट द टाइम वन टाइम सिर्फ आप एक ही ऑप्शन बॉक्स जो है वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक टाइम में आप एक ही बारी एक ऑप्शन बॉक्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हेन एन ऑप्शन बॉक्स इज सेलेक्ट, जब ऑप्शन बॉक्स को सेलेक्ट करोगे इट्स वैल्यू इज सेट टू ट्रू एंड व्हेन इट इज़ अनसेलेक्टेड, इसका वैल्यू जो है वो सेलेक्ट किया है आपने। ठीक है, इट्स वैल्यू इज सेट, उसका वैल्यू जो है वो सेट हुआ है ट्रू। एंड व्हेन इट इज़ अनसेलेक्टेड, अगर इसको अनसेलेक्टेड किया है इट्स वैल्यू इज सेट टू फॉल, अगर इसकी वैल्यू को सेट किया है तो वो ट्रू में आएगा, अगर अनसेलेक्ट किया है तो उसका वैल्यू जो है वो फॉल्स में आएगा। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल द शेप कंट्रोल इज प्लेस इन द फॉर्म टुगेदर विद फ्यू ऑप्शन बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर उसके शेप्स होगा तो एक जगह पर, ठीक है, इन द फॉर्म फॉर्म में, तो विथ फ्यू ऑप्शन बॉक्स, वहाँ कितने ऑप्शन बॉक्स के साथ, पांच ऑप्शन बॉक्स के साथ। व्हेन द यूज़र क्लिक ऑन वेरियस ऑप्शन बॉक्स, जब यूज़र अलग अलग ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करेगा वेरियस शेप विल अपीयर, वहाँ पे अलग अलग तरह की शेप उसको मिल जाएगा। तो ये है उसका सिंटैक्स, प्रेवर्ड्स आप ऑप्शन क्लिक। ठीक है, यह आपकी बुक में भी है, आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ये उसके जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करने का तरीका है। ठीक है, या शेप्स का। द ड्राइव लिस्ट बॉक्स, उसके बाद एक ड्राइव लिस्ट बॉक्स। द ड्राइव लिस्ट बॉक्स इज अप्लाइड फॉर शोविंग ए लिस्ट ऑफ ड्राइव्स अवेलेबल इन योर कंप्यूटर। ये ड्राइव लिस्ट बॉक्स जो है वो किस चीज़ के लिए अप्लाई किया जाता है, कुछ लिस्ट जो है आपको वहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, जो भी उस कंप्यूटर में अवेलेबल होगा। व्हेन यू प्लेस इट दिस कंट्रोल इनटू द फॉर्म एंड रन द प्रोग्रामिंग, जब इसको एक जगह पे रखोगे इनटू कंट्रोल इनटू द फॉर्म, एक फॉर्म में, ठीक है, इसको प्रोग्रामिंग में रन करोगे, यू विल बी एबल टू सेलेक्ट वेरियस ड्राइव्स फ्रॉम रन कंप्यूटर, आपको वहाँ पे अलग अलग तरह के ड्राइव्स जो है वहाँ पे मिल जाएगा आपके कंप्यूटर में। ठीक है, उससे आप सेलेक्ट करके इस प्रोग्रामिंग को आप रन कर सकते हैं। ये है, देखो यहाँ पे सी जी, ठीक है, ये अलग अलग तरह के ड्राइव्स है, तो यहाँ से आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, द डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स, उसके बाद एक डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स होता है। द डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स इज फॉर शोविंग द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज आवर फोल्डर्स इन ए सेलेक्टेड ड्राइव। डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स जो है वो हमारे डायरेक्टरी लिस्ट को शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ से जो भी फोल्डर आपको चाहिए वो आप वहाँ से ड्राइव से, उस ड्राइव से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सबको पता है जैसे कि हमारे कंप्यूटर में या हमारे लैपटॉप में इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी प्रोग्रामिंग आपको करना है, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। When you place this control into the form and run the programming, जब आप इसको form की एक जगह पे रख के इस programming को आप run करना चाहते हो तो you will be able to select different directories, आपको वहाँ से अलग अलग तरह की directories जो है वो select करना पड़ेगा। form
फ्रॉम ए सेलेक्ट ड्राइव इन योर कंप्यूटर, कहाँ से आपकी कंप्यूटर के ड्राइव से, वहाँ से आपको जो भी आपको चाहिए प्रोग्रामिंग, वहाँ से आप अलग अलग तरह के डायरेक्टरीज होगा, वहाँ से आपको जो चाहिए आप आपके कंप्यूटर से सेलेक्ट करोगे, उसके बाद उस प्रोग्रामिंग को आप रन करोगे। ठीक है, ये है, ठीक है, जैसे कि प्रोग्रामिंग फाइल्स है, माइक्रो विजुअल स्टूडियो है, विजुअल बेसिक 98 है, ठीक है, जो भी आपको करना है प्रोग्रामिंग रन तो आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपकी क्या बोलते हैं मोबाइल में आपको एक एप्लीकेशन चाहिए होता है, आपको उसको क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है, तो आप अपनी फाइल में जाते हो, ठीक है, फाइल मैनेजर में जाके या आपकी वहाँ पे जो भी जिस में भी अवेलेबल होगा वो एप्लीकेशन, वो वहाँ से आप सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करने के बाद आप उसे इंस्टॉल करते हो और उसको यूज़ करते हो, ठीक है। फाइल लिस्ट बॉक्स, द फाइल लिस्ट बॉक्स इज़ फॉर शोविंग द लिस्ट ऑफ फाइल्स फ्रॉम इन सेलेक्टेड डायरेक्टरीज। फाइल लिस्ट बॉक्स जो भी आपका फाइल था, ठीक है, उसमें डायरेक्टरी में, तो वहाँ से आप अपनी फाइल को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। द फाइल लिस्ट बॉक्स इज़ यूज अलोंग विद डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स विच इज़ इन टर्न यूज अलोंग विद द ड्राइव लिस्ट बॉक्स। फाइल लिस्ट बॉक्स जो है आप यूज़ करते हो किसके साथ, डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स के साथ, ठीक है। अब राइटिंग द कोड, कुछ राइटिंग कोड्स, डबल क्लिक ऑन द फॉर्म, सबसे पहले क्या करना है, डबल क्लिक करना है फॉर्म वन पे, जैसे कि हमें एक प्रोजेक्ट बनाना होता है तो वहाँ पे हम एक फॉर्म लाते हैं, उस फॉर्म में हमें जो भी कैलकुलेशन या जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा वो करते हैं, जैसे कि उसका फॉर्म जो है वो क्या होगा, पहला फॉर्म वन होगा। द सोर्स कोड विल अपेयर, उसके बाद जो उसके हिसाब से जो उसकी विंडो की कोड के है सोर्स के हिसाब से वो कोड जो है वहाँ पे अपेयर हो जाएगा। क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट बॉक्स, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। द ड्रॉप डाउन लिस्ट विल शो ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का लिस्ट जो है वहाँ पे शो करेगा, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाके। चॉइस एन ऑब्जेक्ट बाय डबल क्लिक ऑन इट, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को चॉइस करने के बाद वहाँ पे क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है। थर्ड, क्लिक ऑन द प्रोसीजर बॉक्स, उसके बाद आपको प्रोसीजर बॉक्स पे क्लिक करना है। अमंग द इवेंट्स आर लोडिंग फॉर्म, उसके बाद जो भी फॉर्म है वो वहाँ पे लोडिंग हो जाएगा। क्लिक ऑन ए कमेंट बटन, उसके बाद कमेंट बटन पे क्लिक करना है। प्रेस ए की ऑन कीबोर्ड ऑफ ड्रैगिंग एंड ऑब्जेक्ट एंड मोर, उसके बाद आपको उस की पे प्रेस करना है, कहाँ पे जाके, कीबोर्ड में जाके, ठीक है। उसके बाद ड्रैगिंग एंड ऑब्जेक्ट्स, चॉइस एनी वन ऑफ देम, कोई भी वहाँ से जो है आप एक ऑब्जेक्ट जो है वहाँ से आप चॉइस कर सकते हैं। फोर्थ, टू स्टार्ट राइटिंग एन इवेंट प्रोसीजर विद द फॉलोइंग सेंटेक्स, उसके बाद आपको अपना जो भी प्रोसीजर्स आपको वहाँ पे लिखना है तो उसकी सेंटेक्स के हिसाब से आप उसको फॉलो करोगे, लिखोगे, ठीक है। जैसे कि प्रेवर्ट सब कमेंड वन क्लिक की इन योर प्रोग्रामिंग कोड हेयर एंड सब, एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया है, ठीक है, ये एग्जाम्पल इन्होंने प्रेवर्ट सब कमेंड क्लिक, ये इस तरह से आपने लिखना है। लेबल वन विजिबल इक्वल टू फॉल्स, टू में ट्रू है, टेक्स्ट वन टेक्स्ट यू आर करेक्ट, ठीक है, एंड तो दूसरा एग्जांपल ये है, ठीक है। तो इन्होंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया है किस तरह आप इसके कोड्स को वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब विजुअल बेसिक बिल्ट इन फंक्शन, अब उसकी फंक्शंस के बारे में, द मेन पर्पस ऑफ ए फंक्शन इज़ टू एक्सेप्ट ए सर्टेन इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड रिटर्न ए वैल्यू विच इज़ पासड ऑन द मेन प्रोग्राम टू फिनिश द एग्जीक्यूशन। इसका मेन पर्पस क्या है, उसकी फंक्शंस को एक्सेप्ट करना, जो भी यूज़र इनपुट डालेगा या वैल्यू डालेगा उनको एक्सेप्ट करना, ठीक है, उसके बाद उसको पास करना किस में, प्रोग्राम में,
फिर उसके बाद क्या करते हैं वहाँ पे एग्जीक्यूशन जो है वहाँ पे फिनिश करते हैं। द जर्नल फॉर्मेट ऑफ ए फंक्शन इज़, अब उसका जर्नल फॉर्मेट क्या है, फंक्शन नेम, एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट्स आर वैल्यूज़ दैट आर पास इड ऑन द फंक्शन। एग्रीमेंट जो है वो वैल्यू जो कि पास्ड होगा उस फंक्शंस में, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक, कल हम जीम्स स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। खुदा हाफिज़।